नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी, बिहार की जो महागठबंधन सरकार है, इस पर उन्होंने निशाना साधा। जी हां, दरअसल लोग साफ तौर से सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। बिहार में बड़े भाई छोटे भाई मिलकर इतने सालों से 35 सालों से सरकार में है, तो उन्होंने बिहार के गरीबों के लिए क्या कर लिया कि आखिर बिहारी जो है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ पूरे देश भर में बिहारी सबसे आगे है, तो वहीं बिहार जो है इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या कुछ कहते वे नजर आ रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, सुनिए। और बिहार में एक बड़ा चर्चा है, और चर्चा इस बात का है कि आखिर बिहार का पिछड़ापन का कारण क्या है। पूरे देश में बिहारी आगे है तो बिहार पिछड़ा है, पहला सवाल तो ये जी। और दूसरा सवाल है कि आखिर हमारे दो महानुभावों के बीच में जो 35 साल का इनका कार्यकाल का राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में रहे, आखिर जिनकी बात ये करते हैं, जिन गरीबों की बात करते हैं, ये 4 करोड़ गरीब बिहार छोड़कर के दूसरे प्रांतों में पेट भरने के लिए क्यों चले गए, एक बड़ा सवाल है। और तीसरा, ये हमारा अभियान है कि बिहार को जगाना है और बिहार के ऐसे 4 करोड़ हुनर को वापस यहाँ ला करके रोजी रोटी देना है, क्योंकि बिहार की सरकार की नीति, चाहे वो पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। देश भर में फैक्ट्री बनाने का एक व्यवस्था कायम कर दिया है, जो बिहार को और बिहारी को, बिहार के गौरव को जगाना है। नौजवान, चाहे वो जिस जाति के भी हो, समाज के हो, उनकी वो समझने लगे अब उनको जाति पाति के नाम पर धोखा नहीं दिया जा सकता, और बिहार एक बड़े परिवर्तन के कगार पे खड़ा है, और 2024-25 के बाद बिहार एक बड़ा करवट लेगा और उसमें बिहार के नौजवानों की एक बड़ी भूमिका होगी, जो इससे बाहर निकल के बिहार के गौरव को स्थापित करना चाहिए। जातीय जनगणना के आधार पर क्या, देखिए, जब जब सरकार सत्ता से हटने लगती है या हिलने लगती है तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जिससे समाज बटे। यदि नीतीश कुमार जी वैसे 4 करोड़ लोग की जनगणना कराते जो बिहार छोड़ के चले गए हैं, और वो किस जाति के हैं और क्या काम कर रहे हैं, तो ये जनगणना सफल माना जाता, अन्यथा ये जनगणना मूलतः जातीय उन्माद फैलाना, समाज में बिखराव पैदा करना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का एक नया व्यवस्था कायम करना है। जदयू और महागठबंधन वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि सासाराम वगैरह में जितना जगह जो दंगा हुआ है वो भाजपा वाले कराए हैं। ये इनकी प्रशासकीय विफलता है, खुद अपने प्रशासकीय विफलता के कारण बिहार में अराजकता की स्थिति हो रही है, और इसके मूलतः जिम्मेवार है तो बिहार की सरकार और बिहार की वैसे नेता जो इस प्रकार की हरकत करते हैं। तो आपने सुना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे कई सारे मुद्दों पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया। वहीं एक तरफ बिहार में जो जाति जनगणना हो रही है उसको लेकर भी उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि देखिए, जब जब बिहार सरकार जो है खतरे में रहती है या यूं इस तरीके से डगमगाने लगती है तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नया नया टोटका जो है वो अपनाती है, जिससे कि वो अभी सरकार में बने रहे। और कहीं ना कहीं जातीय जनगणना जो कराया जा रहा है उससे बिहार में लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और ऐसे जाति के आधार पर उन्माद जो है वो भी फैलाने का काम किया जा रहा है। और वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसक झड़प हुई है उसको लेकर भी जब पूछा गया कि कहीं ना कहीं इसका कारण बीजेपी को बताया जा रहा है तो उन्होंने साफ तौर से इस पर कह दिया कि देखिए, ये अभी बिहार सरकार की जो प्रशासनिक विफलता है उसका बहुत बड़ा कारण ही है और यही लोग जो है वो समाज में उन्माद फैला रहे हैं। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।